वेलकम टू डॉट एस एम। तो जैसे कि देख पा रहे हैं रेडमी 8A है और ये एक घंटा पहले मैंने बाय किया है और इसमें अभी अभी मतलब MI 11 का अपडेट मिला है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में। तो अपडेट से पहले इसका मोबाइल का स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते, देखिए डब्बे में जो लिखा हुआ आता है आपका 6.2 इंचेस डिस्प्ले है प्लस इधर हो गया स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर है। बैटरी आपको मिलता है 5000 एमएएच का और 12 मेगापिक्सल एआई कैमरा। कैमरा जो है ये सिंगल है जैसे कि आप अभी देख रहे पीछे, और फ्रंट कैमरा में आपको 8 मेगापिक्सल मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इधर हो गया इंपॉर्टेंट फीचर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एआई फेस अनलॉक मिल रहा है, टाइप सी चार्जर मिल रहा है, वायरलेस FM रेडियो, उसके बाद मोई का कस्टम रोम मिल रहा है। और इसमें तो MI 11 का अपडेट आ चुका है, लेकिन जब मोई का जो कस्टम रोम है ये आपको मतलब 10 के साथ मिलता है और अपडेट तो आया है जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सक रहे हैं। मोई का जो अपडेट है ये 11.0.3.0 का PCPINXM का स्टेबल अपडेट है जो 568 MB के आसपास का अपडेट है और इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है। अपडेट आप अभी देख रहे हैं इसमें आया हुआ है और कन्फर्मेशन के लिए एक बार और दिखाए तो ये रेडमी 8A है ना कि 8 है। तो बहुत से यूज़र्स है जिनको अपडेट नहीं मिला है, वो क्योंकि कुछ कुछ डिवाइस के लिए MIUI 11 अभी भी अंडर टेस्ट है, तो आपको वेट करना होगा जब तक आपको अपडेट नहीं मिलता है। और बहुत सा यूज़र्स को अभी तक मिला है और बहुत से यूज़र्स को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है कि MIUI 11 का अपडेट चाहिए। तो फिलहाल इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद इसका एक फुल रिव्यू बनाऊंगा, वो भी कुछ दिन यूज़ करने के बाद, कम से कम 2 से 3 दिन, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आप लोगों को बताने लायक है। वरना नॉर्मली सब फीचर्स तो आप लोगों को मालूम ही है, जो कुछ हाइडन फीचर होता है उसे मैं ढूंढने का कोशिश करूँगा, उसके बाद आप लोगों के सामने लाऊँ कि हाँ ये सब फीचर्स न्यू है जो रेडमी 6 या अदर डिवाइस में भी होना चाहिए था। और इसमें एक चीज़ है कि जब आप बाय करेंगे तो आपको क्लीन स्पीकर का भी सपोर्ट मिलता है जो रेडमी 6 में देखने को नहीं मिलता है। तो 8A में एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। जैसे 98 हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद ये डिक्रिप्टिंग होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिबूट के लिए मांगेगा। जैसे रिबूट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले एक रेडमी 8 में अपडेट आया था, वो था 11.0.1 का। तो उसमें आपको बहुत सारे अपडेट मिला था जिसमें बहुत सारे बग्स भी था, और ये जो अपडेट है ये MIUI V11.0.3.0 का है, ये पाई में ही रन करता है। इसमें बहुत सारे बग्स फिक्स किए गए हैं और साथ ही आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स भी मिल रहा है। तो आगे अपडेट होने के बाद आपको एक रिव्यू मैं दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या न्यू फीचर्स है। तो डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड होने के बाद देखिए डिक्रिप्टिंग हो रहा है, इसके बाद देखिए रिबूट का ऑप्शन आ गया, आपको रिबूट पर क्लिक करना है इस तरह से, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिबूट होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी होगा। तो इंस्टॉल होने टाइम हो सके थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुक भी जाता है, तो आपको कोई भी बटन से छेड़खानी नहीं करना है वरना आपका मोबाइल ब्रिक हो जाएगा यानी कि ख़राब हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने दीजिएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद ये रिबूट हो जाएगा, वापस से मोबाइल मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल होने दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है, ये 0 से लेकर 100% तक होगा। तो हो सके कुछ टाइम ये जल्दी भागेगा और कुछ टाइम ये धीरे धीरे ही जाएगा, तो आपको दूसरा कोई बटन से छेड़खानी नहीं करना है वरना आपका मोबाइल ब्रेक हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे देख सकते ये जो डिवाइस रेडमी 8 है, और जैसे ही मैंने कहा था कि ये इंस्टॉल होने का टाइम हो सकता है रुक जाएगा, तो देखिए अभी रुक गया है। तो आपको कोई भी दूसरा बटन से छेड़खानी नहीं करना है वरना आपका मोबाइल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कोई भी दूसरा बटन छेड़ते हैं तो
इसका ज़िम्मेदार आप हैं अगर आपका मोबाइल ब्रेक हो जाता है। तो इसे इंस्टॉल होने दीजिए, ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली होता है कि ये मोई 10 से मोई 11 में रन करने वाला है, तो मोई 10 से मोई 11 में जा रहा है, तो उसे हो सके कुछ मतलब API कीज जो होता है उसे मतलब हटा के अपडेट करना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ा उसको टाइम लेना पड़ता है। तो वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली रिबूट भी हो जाएगा। तो देखिए 100 तो नहीं लिखा है पर ए ऑटोमेटिकली रिबूट होने वाला है। देखिए रिबूट हो गया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो रिबूट होने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखिएगा एक लॉगो आएगा एंड्रॉयड का, नीचे देखिए आप देख सकते हैं रेडमी का सबसे नीचे देखिए ये न्यू लॉगो है, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद देखते हैं इंस्टॉल हुआ है या नहीं। और 7 वाले बहुत मेरे को सवाल करते हैं मेरे मतलब टेलीग्राम में प्लस जो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर, तो उन लोगों के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं आया और अभी तक कोई भी न्यूज़ रिलीज़ नहीं किया गया, सॉरी कोई भी न्यूज़ लीक नहीं हुआ है, क्योंकि 7 का यूज़र बहुत कम है जो इंडियन यूज़र है। ग्लोबली लिंक मेरे पास है, तो ग्लोबल वर्जन जिनका है वो मेरे टेलीग्राम में आके डाउनलोड लिंक ले सकते हैं, तो वो लोग चाहे तो अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इंडियन यूज़र्स के लिए 7 यूज़र्स जो होते हैं उनके लिए मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियली रिलीज़ ही नहीं हुआ है, जिसके लिए मेरे पास अभी तक लिंक नहीं है। तो जैसे कोई न्यूज़ मिलेगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं सबसे पहले वहीं पर अपडेट देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से भी पहले, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर कोई भी न्यूज़ होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वेल मोबाइल तो हम लोग का ऑन हो चुका है, इसे अनलॉक कर लेते। देखिए यहाँ पे एक लॉगो आ गया है MIUI 11 का, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपका होम पेज में आ जाएगा क्योंकि अपडेट हुआ है। पहले से तो आपने इसका सेटअप कर लिया था, देखिए ऊपर में भी आपको बता रहा है कि इंक्लूडिंग एक सर्विस, उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुली भी बताएगा। पहले सेटिंग में चल जाते हैं, सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 इसका UI डिज़ाइन भी देखिए चेंज हो चुका है और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ इस वीडियो में इंस्टॉलेशन का बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है MIUI 11 अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, और मैं यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ मेरे ये पे। एक मिनट, यहाँ पे अबाउट फोन में जाइए, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद देखिए यहाँ पे MIUI 11 MIUI वर्जन जो है इसका 11.0.3.0 का स्टेबल अपडेट है और ये सिर्फ इंडियन यूज़र्स के लिए। तो कन्फर्मेशन के लिए मेरे डिवाइस का नाम आप देख सकते हैं Redmi 8 है, जो INR वर्जन यानी कि जो मतलब कि इंडियन यूज़र है उनके लिए ये अपडेट मिला था। आगे जाके कोई भी अपडेट होगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और साथ ही जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।